खतरनाक लगा मेरे को यार, जबरदस्त है, अच्छी पिक्चर है, देखने लायक है। अरे रोंगटे हर एक सीन मूवी के अंदर इन्होंने इमोशन टच भी डाला यार, मैंने इतना अच्छा पिक्चर देखा ही नहीं है। मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है, जादू को बुलाया हुआ, बट ये पिक्चर बहुत अच्छी है और सबको एक बार देखनी चाहिए। मतलब कि दो तीन चार सीन ऐसे हैं जो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। देखिए सिद्धार्थ आनंद की इससे पहले हमने वॉर देखी थी 2019 में, जो बहुत ही अच्छी एक्शन मूवीज थी, हालांकि उसको मिक्स्ड रिव्यूज मिले पर मूवी बहुत कामयाब थी। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन थी मूवी में। और उसके बाद हमने 2023 में पठान देखी, जो शाहरुख खान का कमबैक था विद दीपिका पादुकोण, और मूवी बहुत ही स्टुपेंडस सक्सेस थी और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और अभी हैट्रिक हो गई सिद्धार्थ आनंद की ये मूवी के साथ, तो मूवी मेरे दिल को छू गई, इट कनेक्टेड विद माय सोल, क्योंकि हमारी देशभक्ति की भावना है। 26 जनवरी का मौका है रिपब्लिक डे, और ऐसी बेमिसाल मूवी देख के हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। ये मूवी पुलवामा अटैक्स के ऊपर बेस्ड है, और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है। बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत ही नोटवर्दी है सचित पोलोस की। एडिटिंग बिल्कुल शार्प है, कहीं भी कोई रैंडम सीन है, ढाई घंटे से ज़्यादा के मूवी है बट यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम, तो आरिफ शेख की एडिटिंग भी बहुत अच्छी है। विशाल शेखर का म्यूज़िक अच्छा है पर देशभक्ति के एक दो ही गाने हैं, एक मिट्टी गाना मुझे अच्छा लगा, तो और देशभक्ति के गाने होने चाहिए थे। दोनों एयरफोर्स ऑफिसर हैं, दोनों की बहुत ही स्टनिंग लुक है। ऋतिक रोशन 50 ईयर्स के लगते नहीं है, बहुत ही अच्छा, मतलब उनका बहुत हैंडसम लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं एज एन एयरफोर्स ऑफिसर। और एक्शन सीन्स उन्होंने बहुत अच्छे किए, तो एक्शन हो या डांस हो, हर चीज़ में, रोमांस में बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। इमोशन बहुत अच्छा है उनका, देशभक्ति की जो भावना है वो बहुत अच्छे से उनके चेहरे पे उभरती है। मूवी के बारे में क्या बताऊँ मैं आपको यार, मूवी बहुत ज़बरदस्त बनाया है। पहले तो मैं हेड्स ऑफ बोलना चाहूँगा हमारे जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, मतलब कि उनकी तीन फिल्में, चाहे वो बैंग बैंग हो, वोर हो या पठान हो, उसका बेस्ट मूवी ये मैं गिनता हूँ, यही फाइटर उनकी बेस्ट मूवी है ये। देखो अगर ऋतिक दीपिका की केमिस्ट्री की बात करें ना, तो ये केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत पहले दिख जानी चाहिए थी ऑन स्क्रीन, लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने बहुत लेट इन्होंने का स्क्रीन पे दिखाया, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया यार, सुपर सुपर जबरदस्त यार जबरदस्त, मतलब कि एक एक विजुअल सीन देखो, एक एक जो बीएफएक्स इस्तेमाल किया वो देखो आप, मतलब अरे रोंगटे हर एक सीन मूवी के अंदर इन्होंने इमोशन टच भी डाला यार, मतलब कि दो तीन चार सीन ऐसे हैं जो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, करण सिंह ग्रोवर, जितने भी स्टार कास्ट हैं सब ने जिल जीत लिया यार। और इसका रिलीज डेट जो रिपब्लिक डे था ना, इससे बेटर रिलीज डेट हो ही नहीं सकता। के दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से अच्छा कोई सनम नहीं होता। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं पर वतन से अच्छा कोई सनम नहीं होता। हीरे जवाहरात में तो मरते हैं सभी, पर तिरंगे से अच्छा कोई कफन नहीं होता। तो भाई मेरे इसी शायरी से आप समझ गए होंगे कि मूवी कैसी है। मूवी बहुत अच्छी है, जिस तरह का मूवी का प्लॉट है वो बहुत अच्छा है। ऋतिक रोशन की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। एज ए इंडियन मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ ये मूवी देखकर। और तेजस जो मैंने देखी थी कंगना रनावत की, जो भी यही इसी के ऊपर थी, तो मुझे तो लगता है कंगना रनावत को अपना जो एयरक्राफ्ट था ना कहीं पानी में क्रैश कर देना चाहिए मूवी देखकर। इसके अंदर आप रोमांस ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। एक गाने को छोड़कर रमेश सिप्पी की एक मूवी आई थी 90s में बॉर्डर, उसकी मूवी भी वैसी थी और गाने भी वैसी थे, संदेश से आते हैं वो। तो केमिस्ट्री को अगर लेकर आप बात करोगे ना, तो केमिस्ट्री छोड़ दो, एक गाने को लेकर केमिस्ट्री अच्छी थी, बट पूरी और पूरी मूवी ना भाई, मतलब बजा दिया, बैंड बजा दिया ऋतिक सर ने। मैंने इतना अच्छा पिक्चर देखा ही नहीं है। हाड़ू है सिद्धार्थ, वी लव यू। जो एरियल फाइट, जो डॉग फाइट दिखा है, इट इज इवन बेटर देन हॉलीवुड मूवीज, जबरदस्त। मैं दूसरी बार देखने वाला हूँ। दिल को क्या, इतना जबरदस्त डॉग फाइट आप कोई भी हिंदी पिक्चर में दिखा दो, मैं झुक जाऊंगा आपके सामने। अनिल कपूर इज टू गुड, ऋतिक रोशन तो फाड़ दिया यार, इतना जबरदस्त पिक्चर है। फाइटर देखने के बाद मुझे ये लगा कि देश के लिए रिप्रेजेंट किया गया इस फिल्म को। 25 जनवरी के दिन रिलीज किया गया इस फिल्म को, यानी कि कल 26 जनवरी है, उसको एक दिन पहले बताया गया कि पाकिस्तान थोड़ा संभल जाओ। जो देश में लोगों की मैंटेलिटी चल रही थी कि देश में कहीं ना कहीं गद्दार है, जिस तरह से पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ था, ये उसका मुँह तोड़ जवाब है। और आगे मैं कहूँगा कि इस तरह से फिल्में बनते रहें और हम लोग मुँह तोड़ जवाब देते रहे पाकिस्तान को। आज स्क्रीन पे ऋतिक और दीपिका की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छे कपल है और बहुत ही अच्छा मेहनत किया उन लोगों ने। सिद्धार्थ आनंद जी डायरेक्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं कहूँगा कि भाई
इस पूरी फिल्म को बनाने में स्क्रिप्ट लेवल, म्यूजिक लेवल, डायरेक्शन लेवल सबका बहुत अच्छा एक अपना काम था। तो मेरे ख्याल से मैं किसी भी रेटिंग्स में कमी नहीं करते हुए 5 में से पूरे 5 देना चाहूँगा। ज़बरदस्त है, अच्छी पिक्चर है, देखने लायक है, मतलब अपना खून खोल जाएगा, देशभक्ति के ऊपर है, मतलब देशभक्ति के तरह ही पिक्चर है, ज़बरदस्त है। दीपिका का काम ज़बरदस्त लगा है, मतलब हर बाप को गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पर, वैसा काम किया है। ऋतिक और दीपिका की क्या कहना रहेगा, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया देखकर उन दोनों को, पहले बड़ी पर्दे पर देखकर ज़बरदस्त लगा, अच्छा लगा देखकर उनको, खतरनाक लगा मेरे को यार, एकदम जुनून सा हो दिल, मतलब दिल में जुनून होता अपने देश के लिए, वो मूवी देखने के बाद हाँ यार लगे 26 जनवरी का दिन कल है, उससे पहले एक मूवी धमाका दिया अपने को, लगता है कि हाँ देशभक्ति वाली मूवी, एकदम खतरनाक लगा मेरे को, खतरनाक जोड़ी थी दोनों की। मुझे शाहरुख खान से बेहतर दीपिका लगी उसके साथ, ऋतिक के साथ दोनों की जोड़ी मस्त लगी। मैं पब्लिक को यही बोलूँगा 26 जनवरी का दिन आप प्लीज़ आओ क्या मूवी देखो आप कल, सब